Very very good morning to all of you, dear children. How are you? Now Durga Puja is over completed, and now again we are going to solve the question answer from the chapter number 11, 10 already we have completed, and now we have to complete the question answer of chapter number 11. Name of the chapter is Transport in Modern Times. So let's start without doing delay to solve all the question answer of this chapter. And now dear children, you can see here first one, कि टिक दी करेक्ट ऑप्शन. तो सही ऑप्शन पर आपको टिक लगानी है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड, यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, इसने किस चीज को हटा दिया है या रिप्लेस कर दिया है. तो क्या रिप्लेस किया है? ऑप्शन नंबर ए, स्टीम इंजन. आज स्टीम इंजन हम लोग नहीं देखते हैं ना, अब पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, बट स्टीम इंजन वी कैन नॉट सी. Now next one, question number 2 is that what is an indicator of the level of development of a country. हमारा जो देश का जो विकास हो रहा है, कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको नापने का है ना, एक मापने का इसका इंडिकेशन क्या है, किस चीज़ से हम मुझे ये हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप कर रहा है. तो किससे होगा, क्या कौन सा चीज़ है? ट्रांसपोर्ट है, ऑप्शन नंबर सी. ऑलरेडी आई हैव टिक्ड आउट हियर. तो यदि किसी कंट्री का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छी है, रोड सड़कें अच्छी है, गाड़ियां चल रही है, इसका मतलब ये सिंबल है, डेवलपमेंट का सिंबल है, विकास का सिंबल है. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का ऐसा कौन सा साधन है जो सबसे तेज गति से चलती है और बहुत ही आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एयरवेज, हवाई जहाज. नेक्स्ट वन फोर इज दैट द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज. इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन्स क्या होता है? समुद्री तट. समुद्री तट सी के साइड में जो एरिया है वो इंडिया का साउथ सदर्न पार्ट, ये कोस्टल लाइन है इधर, दिस साइड. नाउ यू कैन सी इन द मैप द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 7617. और ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था. ओके, सो नाउ दिस इज जीके क्वेश्चन ऑल्सो, ऑल कम्स अंडर जीके क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड 5 इज दैट विच इज द बिजीएस्ट एयर रूट इन इंडिया. जो इंडिया का सबसे जो बिजी रूट है, एयर रूट यानी हवाई जहाज जो चलती है, एरोप्लेन चलती है, ये कहाँ का है? द एंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मुंबई एंड दिल्ली. मुंबई दिल्ली का जो रूट है, एयर रूट, ये सबसे ज़्यादा बिजी है, बिजी रहती है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ डियर स्टूडेंट, सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज गिवन हियर कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड, यानी यह प्रयास हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो पेट्रोल की खपत हो रही है उसके खपत को, कंजम्पशन को कम किया जाए. इसके साथ और कौन सी चीज़ें हैं जिसके जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ट्राई की जा रही है? तो क्या होगा? पेट्रोल एंड डीजल. तो दिस वन यू हैव टू राइट हियर, डीजल. नेक्स्ट वन, नंबर 2, नेशनल हाईवेज लिंक ऑल डैश ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवे जो होती है ये पूरे इंडिया में किसको लिंक करती है, किसको जोड़ती है? तो रोड को जोड़ती है. कौन से रोड को? स्टेट्स को. स्टेट्स रोड जो होती है, तो ये जो रोड है पूरे स्टेट्स को जोड़ती है, कौन? नेशनल हाईवे. तो नेशनल हाईवे क्या करती है? सारे स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम करती है. यू हैव टू राइट डाउन हियर, स्टेट्स. नेक्स्ट वन डैश, वाटर ट्रांसपोर्ट इज मेनली फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म. डैश वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है जो बेसिकली ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए और टूरिज्म यानी कि यात्रा के लिए यूज किया जाता है? तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा, यू हैव टू राइट डाउन, ओवरसीज. ओवरसीज, राइट डाउन हियर, ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट इज मेनली फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म. नेक्स्ट वन, 4, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एडेड टू. यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, कहीं आना जाना होता है, तो उसमें जो इंक्रीज किया जाता है, बढ़ोतरी होती है, क्या बढ़ोतरी होती है? नाउ व्हाट यू हैव टू राइट डाउन हियर, यहाँ बढ़ोतरी होगी प्राइस. तो ज़्यादा आना जाने से, आने जाने से क्या होगा? प्राइस को ऐड करना पड़ता है, भाड़े बढ़ाने पड़ती है, प्राइस. तो किन चीज़ों में ऐड होगी? वो सारी चीज़ों में जो आप कहीं पर ले जाते हो,
यानी कि आइटम्स में, चीज़ों में, तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एडेड टू द प्राइस, यू टू राइट डाउन प्राइस, प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से वन प्लेस से अनदर प्लेस में जब ले जाते हैं तो उसमें जो खर्च आता है वो खर्च किस में ऐड करते हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाते हैं उसी में ऐड की जाती है, यही होती है ना। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन नंबर 5 डैश, रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बॉर्डर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी के आने जाने के लिए जो बॉर्डर साइड में रोड बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन बॉर्डर रोड्स, दिस वन बॉर्डर, यू हैव टू राइट हियर बॉर्डर रोड्स। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज दैट व्हीकल्स कैन नॉट रन विदाउट, गाड़ियाँ जो है ये नहीं चल सकती, किसके बिना, फ्यूल के बिना, ऑयल के बिना, यू हैव टू राइट डाउन हियर दिस ऑप्शन फ्यूल, यू हैव टू राइट डाउन हियर फ्यूल, व्हीकल्स कैन नॉट रन विदाउट फ्यूल, दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रेन। एंड नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3 दैट, नाउ डियर चिल्ड्रेन सी हियर क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वन इज दैट रोड्स हैव इंक्रेज नेशनल यूनिटी, रोड बनने से क्या होती है, देश में एकता आती है, इसने नेशनल यूनिटी यानी देश की एकता को बढ़ाने में मदद किया है और इंक्रेज करती है, प्रोत्साहन करती है नेशनल यूनिटी में, दिस इज वेरी करेक्ट, यू हैव टू राइट डाउन हियर ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन द फर्स्ट ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 134 किलोमीटर, पहली जो ट्रेन बनी थी जो मुंबई टू थाने चली थी, तो यहाँ पूछा कि बताया जा रहा है कि वो 134 किलोमीटर चली थी, नो दिस इज रॉन्ग, सो दिस वन फॉल्स, यू हैव टू राइट डाउन हियर फॉल्स, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन थर्ड वन इज दैट अर्लियर पाइपलाइंस वर यूज फॉर गैस ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि सब पहले क्या होता था, पाइपलाइन का यूज गैस को, गैस ट्रांसपोर्टेशन यानी गैस को यहाँ वन प्लेस से अनदर प्लेस में ले जाने में किया जाता था, दिस इज रॉन्ग, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर फॉल्स, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, थर्ड वन ऑल्सो ए फॉल्स। नेक्स्ट वन 4 यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन रोड्स, वेरी गुड, यानी कि ट्रैफिक को कम करने के लिए, सड़कों पर ट्रैफिक कम हो इसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यू हैव टू राइट डाउन हियर ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन क्रूड ऑयल इज सप्लाइड बाई ट्रक्स टू द ऑयल रिफाइनरीज, जो क्रूड ऑयल होता है जो फर्स्ट में निकाली जाती है अंडर द अर्थ, तो इसे रिफाइनरी तक ट्रक से ले जाते हैं, नो दिस इज नॉट ट्रू, यू हैव टू राइट डाउन हियर फॉल्स, कंप्लीटेड, तो फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, थर्ड वन फॉल्स, फोर्थ वन ट्रू एंड फिफ्थ वन फॉल्स, दिस वन कंप्लीटेड योर चिल्ड्रेन। एंड नाउ वी हैव टू कंप्लीट दी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर डी आंसर ब्रीफली, सो लेट्स वी स्टार्ट द टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर। एंड नाउ डियर चिल्ड्रेन यू कैन सी हियर फर्स्ट वन डी वन की मेंशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक, यानी यदि रोड में ट्रैफिक बढ़ जाती है ज़्यादा, अधिक बहुत नंबर ऑफ जो गाड़ियाँ होती है अधिक हो जाती है तो इनसे क्या प्रॉब्लम होती है। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक आर फर्स्ट वन पॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज दैट एक्सीडेंट्स, तो ज़्यादा गाड़ियाँ चलेगी रोड पे तो क्या होगा, उससे पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण फैलेगा ज़्यादा और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज, यानी एरोप्लेन से हम लोग कहीं पर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो एयरवेज की क्या विशेषताएँ, क्या फ़ायदे एयरवेज की हैं। आंसर यू कैन सी हियर एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज आर फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट हियर इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे तेज गति से चलती है। एंड सेकेंड वन इट कैन कवर डिफिकल्ट लैंड फॉर्म्स ईजली, और यदि हम एयरप्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन से कहीं भी हवाई यात्रा सफ़र करते हैं तो क्या होता है, ये पहाड़ हो, माउंटेन हो, कितना भी ऊंचा हो, ईजिली हम लोग वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कि विच इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वाई, सबसे जो अच्छा जो
कहीं पर आने जाने के लिए, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा जो मोड है, तरीका है ट्रांसपोर्ट का, वो क्या है और क्यों है, आपको ये भी बतानी है। तो आंसर में भी डिफरेंट आंसर डिफरेंट में हो सकता है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, बट व्हाट इज गिवन हियर, नाउ सी आंसर। इन माय ओपिनियन रेलवेज आर द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मेरे अनुसार रेलवे जो है ये सबसे अच्छा है कहीं पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। क्यों, व्हाई? तो बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, दे आर इकोनॉमिकल। ट्रेन से यदि हम लोग कहीं पर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसका जो कॉस्ट है, प्राइस है, फेयर है, भाड़ा है, क्या लगती है, कम लगती है, तो इकोनॉमिकल हो गई। एंड सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर, दे कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। ट्रेन में देखते हो कितनी भीड़ रहती है, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेन में जा सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस, और इसी कारण मुझे क्या है, रेलवे से जाना पसंद है या रेलवे अच्छा लगता है। ओके, ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, नंबर फोर इज दैट कि नेम एनी टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि आपको लिखना है कोई भी दो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में लिखना है क्या है। नाउ नेक्स्ट वन आंसर इज दैट कि टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, फर्स्ट वन यू कैन राइट डाउन हियर, सोलर एनर्जी, एंड सेकेंड वन इज टाइडल एनर्जी। अदर एनर्जी यू कैन ऑल्सो राइट डाउन लाइक विंड एनर्जी, दिस वन ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फाइव, लिस्ट टू चेंजेस दैट हैव इम्प्रूव्ड रेलवेज इन रिसेंट टाइम्स, यानी आपको बतानी है कि रिसेंट टाइम्स में आजकल में या अभी के समय में कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है रेलवेज में जो आपको अच्छा लगता हो, या क्या क्या नई चीज़ें जो है ऐड की गई है, न्यू फैसिलिटीज ट्रेन में दी गई है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। लिस्ट टू चेंजेज, कोई भी दो बदलाव जिसने रेलवे को इम्प्रूव किया है। सो यू कैन राइट आंसर इन दिस वे कि टू चेंजेस दैट हैव इम्प्रूव्ड रेलवेज इन रिसेंट टाइम आर, फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर, रेलवेज प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन। आज आपको कहीं भी जाना है, यदि आपको सीट रिजर्वेशन चाहिए तो क्या है, कंप्यूटराइज हो चुकी है, कंप्यूटर से रिजर्वेशन दी जाती है, वेरी इजी, और आप घर बैठे भी रिजर्वेशन करा सकते हो। तो दिस फैसिलिटी हैज बीन एडेड इन रेलवेज। नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर इन दिस वे, दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न एमिनिटीज एंड कम्फर्ट। रेलवे में बहुत सारी मॉडर्न चीज़ों को लगाया है जिससे आपको काफ़ी कम्फर्ट फील होता है, आरामदायक होती है, चाहे वो सीट की बात कर लो, अच्छी अच्छी सीट लगाई जाती है। पहले वुड की सीट आती थी ना, लकड़ी की आती थी, अभी क्या है, स्पंज की सीट दी जाती है, और अभी टॉयलेट भी देखा जाए, टॉयलेट में बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है। तो इस तरह से बहुत ही कम्फर्ट बनाया गया है रेलवेज को। तो दिस वन कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर डी। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज गिवन हियर, लिस्ट थ्री वेज इन विच अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्ट्स द लाइफ्स ऑफ पीपल, यानी कि थ्री वेज इन विच वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यदि ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी गाड़ियों की व्यवस्था जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये यदि अच्छी तरीके से है तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, हमारी लाइफ को कैसे चेंज करती है, या हमें कैसे प्रभावित करती है, क्या क्या बदलाव आता है, कब, यदि हमारा सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड है। तो नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि फॉलोइंग आर द थ्री वेज। इन फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। यदि ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगी तो इससे क्या होगा, ट्रेड यानी कि व्यापार जो करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं, खरीदारी करते हैं, ये व्यापार में काफ़ी सुविधा होगी, व्यापार को बढ़ाने में, ट्रेड को बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में सुविधा होगी। नेक्स्ट में, इट ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट। यदि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगी, जॉब मिलेगी। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स पीपल टू रीच अ प्लेस फास्टर, स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। यदि आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन जो है, चाहे आप हो या हम हो, वन प्लेस से अनदर प्लेस ईजी और फास्ट तरीके से पहुँच सकते हैं, और अगर इमरजेंसी ना हो तो भी पहुँच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दीज आर द फैसिलिटीज। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू इज दैट, इन विच फोर वेज आर रेलवेज बेटर देन रोडवेज। आपको ये बताना है कि किस प्रकार से रेलवेज जो है वो रोडवेज से बेहतर है, अच्छा है। तो क्यों अच्छा है,
नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि फोर वेज इन विच रेलवेज आर बेटर देन रोडवेज आर, फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर, दे आर फास्टर देन रोडवेज। आप कार से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, कौन फास्ट चलेगी? ट्रेन फास्ट चलेगी, ये क्या है? फास्टर है। नेक्स्ट वन, रेलवेज आर मोर कंफर्टेबल। आपको यदि आप कार में जाते हो ना तो क्या होती है, कभी कभी आपको उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, बट ट्रेन में ऐसा होता है नहीं होता है। कार ट्रेन में आप इजीली लेट कर वॉकिंग भी कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, है ना, ये क्या है, कंफर्टेबल जर्नी होती है। कौन सी? ट्रेन वाली जर्नी। नेक्स्ट वन थर्ड पॉइंट, दे प्रोवाइड रेस्टोरेंट एंड रेस्टिंग फैसिलिटीज। ट्रेन में आपको खाना भी मिलता है ना, रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी होती है, और इजीली वहाँ पर आप आराम भी कर सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन लास्ट पॉइंट, दे कैन कैरी हैवी गुड्स इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेन में आप कितना भी हैवी सामान हो, हैवी चीज़ें हो, भारी चीज़ें हो, उसको आप इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जा सकते हो, है ना, इजी। तो इसीलिए क्या है, रेलवे जो है रोडवेज से अच्छी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री, नाउ थ्री इज दैट कि नेम द आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइंस। ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन से कौन कौन सी चीज़ें को वन प्लेस से अनदर प्लेस में भेजा जाता है। मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की कोई दो विशेषताएं बतानी है, अच्छाई बतानी है। नाउ आंसर यू कैन सी, द आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन आर, क्या क्या ले जाया जाती है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड वाटर, इन चीज़ों को वन प्लेस अनदर प्लेस पाइपलाइन से भेजी जाती है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, तो इसकी विशेषताएं क्या होगी, एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन हियर, इट कट्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसमें क्या है, कम पैसे में, कम भाड़े में, कम फेयर में हम लोग एक प्लेस से वन प्लेस से अनदर प्लेस में किसी भी प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। यदि आप ट्रक से जाते हो, ट्रक से किसी चीज़ को ले जाते हो, तो वहाँ आपका कॉस्ट क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, बट ट्रेन में क्या है, कम लगती है। नेक्स्ट में सेकेंड पॉइंट, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिले एंड लॉस। इसमें आप कोई प्रोडक्ट को ले जाते हो तो इसमें नुकसान होने की कम चांसेस होती है, और देर होने की भी कम चांसेस होती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने तरह के रोड्स होते हैं, अलग अलग जो टाइप के रोड्स होते हैं, इसके बारे में आपको बतानी है यहाँ पर, डियर चिल्ड्रेन। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन और रोड्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन यू कैन राइट डाउन हियर, नेशनल हाईवेज NH, दे लिंक ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे क्या करती है, कंट्री के सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट में स्टेट हाईवेज दे कनेक्ट स्टेट्स कैपिटल्स विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट जो हाईवेज होती है, स्टेट हाईवेज, ये क्या करती है, जितने सारे कैपिटल है उन्हें कनेक्ट करती है, जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसे कनेक्ट करती है। नेक्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट रोड, तो डिस्ट्रिक्ट रोड दे कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं उसे एक साथ जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट वन विलेज रोड, जो विलेज को जोड़ने का काम करती है, दे कनेक्ट विलेजेस विद द टाउन्स। तो टाउन्स में जितने सारे विलेजेस होते हैं उन विलेज को, टाउन और विलेज को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट वन बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड जो बॉर्डर पर होती है, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्मी एंड डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। तो बेसिकली बॉर्डर रोड से कौन ट्रैवल करते हैं, हमारी आर्मी ट्रैवल करती है, डिफेंस सिस्टम ट्रैवल करती है। एंड इन दिस वे दिस क्वेश्चन सर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव इज दैट डियर चिल्ड्रेन कि हाउ कैन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन पेट्रोल एंड डीजल। यदि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं तो इससे पेट्रोल और डीजल पर जो हमारा प्रेशर है, पेट्रोल और डीजल पर जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या होगा, ये प्रेशर कम होगा, यानी कि पेट्रोल और डीजल को यूज़ हम लोग कम करेंगे और इस पर हमारी जो डिपेंडेंट है ये कम होगा। कब? जब हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे। हाउ कैन यू से दिस, है ना। नाउ आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन दिस वे दैट स्विचिंग टू बायोफ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन पेट्रोल एंड डीजल एज
दे आर इको फ्रेंडली एंड कैन बी रिन्यूड ईजली। आप स्कूटी चलाते हो ना, बहुत सारे बच्चे स्कूटी चलाते हैं, कौन सी, बैटरी वाली स्कूटी, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी। तो यदि हम लोग इस टाइप के व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, पेट्रोल को यूज़ हमें नहीं करना पड़ेगा, डीजल का यूज़ हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं डीजल पर, ये भी कम होगी। और इसके साथ साथ यदि हम लोग इस तरह के व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, बायोफ्यूल का यूज़ करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा, और ये क्या है, इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो इको फ्रेंडली होने के कारण हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा, प्योर रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये बेनिफिशियल है। नाउ स्विचिंग टू बायोफ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो इस तरह हम लोग बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करके पेट्रोल और डीजल पर जो प्रेशर है इसे हमें कम कर सकते हैं, और हमें रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ करनी चाहिए। घर में आप लाइट यूज़ करते हो तो इसे लाइट को क्या करना है, ऑफ करनी है, और हमें सोलर पैनल को यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, तो दिस वन डी एंड ई ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड एंड नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू मैथ वर्क, बिकॉज आई टेल यू दैट आई कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस आर अलॉन्ग विद द मैथ वर्क, सो लेट्स वी सॉल्व द मैथ वर्क। और इस बार मैंने क्या किया है, आई हैव नॉट टाइप द आंसर, मैंने इस बार आंसर को टाइप नहीं किया है, क्वेश्चन मुझे इजी लगा, इजी टू अंडरस्टैंड, तो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन को लिया और बिना किसी मॉडिफिकेशन का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नो नीड टू चेंज इन दिस वन, सो दिस टाइम आई हैव नॉट टाइप। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू मैप स्किल। इन मैप स्किल यू कैन सी हियर व्हाट इज गिवन हियर, ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेबल एंड कलर द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आपको इन तीनों चीज़ों को लोकेट करनी है, लेबल करनी है। नाउ डियर चिल्ड्रन, तो फर्स्ट में क्या थी, टू सिटीज हैविंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जहाँ दो सिटी दिखाना जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वन यू कैन सी हियर कोलकाता एंड नेक्स्ट वन मुंबई, दिस वन यू कैन सो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में नंबर टू, टू मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो टू सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया यू कैन सी हियर कोचीन, यू कैन सी हियर कोचीन, यहाँ पर यू कैन सो दिस वन, एंड नेक्स्ट वन हियर मुंबई, दिस वन कंप्लीटेड, एंड लास्ट वन थर्ड वन, टू नेशनल हाईवेज। नाउ नेक्स्ट वन, टू नेशनल हाईवेज, तो टू नेशनल हाईवे में यू कैन सो NH1 जो कि दिल्ली को लाहौर से जोड़ती है, दिस वन यू कैन सी, यहाँ से दिल्ली से चली है और लाहौर तक गई है, दिस इज NH1, एंड सेकेंड यू कैन सी NH2, आप NH2 को दिखा सकते हो, ये NH2 फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट कनेक्ट्स दिल्ली टू कोलकाता, दिस इज NH2, सो ऑल कम्प्लीटेड, यू चले, टू नेशनल हाईवे इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, एंड ऑल और क्वेश्चन सर ऑफ दिस चैप्टर कम्प्लीटेड। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, ओके ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड नेक्स्ट वी हैव टू कम्प्लीट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 12, कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स।